हेलो डियर, अगला हमारा आकलन दो है, कक्षा आठ प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें देखिए, अभी पहला प्रश्न है, जागना शब्द का विलोम है। जागना, जागरण, जागृत, जमना, सोना। अब जागना का विलोम पूछा है, विपरीत अर्थ वाला पूछा है, तो सोना आएगा। क्या आएगा अभी? सोना। समान शब्द का अर्थ है समान, बराबर, सम्मान, सामान, सामने। अर्थ पूछा है सेम अर्थ वाला, यहाँ पर आएगा बराबर। क्या आएगा अभी? बराबर। नीचे लिखे उत्तरों के लिए प्रश्न लिखिए, आपको प्रश्न लिखना है। जैसे उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, रमन अजमेर जाएगा, तो प्रश्न क्या पूछेगा अभी? रमन कहाँ जाएगा? रमन कहाँ जाएगा? अगला है, मेरे घर के सामने एक खेल मैदान है। प्रश्न क्या पूछोगे अभी? तुम्हारे, मेरे को चेंज करोगे, तुम्हारे घर के सामने किसका मैदान है? एक तो ये बन सकता है, यहां पर प्रश्न वाचक चिन्ह जरूर लगाना। एक प्रश्न बन सकता है, तुम्हारे घर के सामने क्या है? दोनों प्रश्न बनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। आपको यहाँ पर गणित की और इंग्लिश की वर्कबुक का हल उपलब्ध है, लिंक में जाकर देखें डिस्क्रिप्शन में। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, शुद्ध करके लिखना है आपको। शोर की सुनकर टूट नींद राजा गई, इसको क्या करना है अभी? ये क्रमबद्ध करना है आपको, आगे पीछे लिखा हुआ है, कर्ता कौन है अभी? शोर सुनकर राजा की नींद टूट गई, इस प्रकार लिखेंगे हम। शोर सुनकर राजा की नींद टूट गई, और सुनकर राजा की नींद टूट गई। ठीक है, राजा की नींद शोर सुनकर टूट गई, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो, राजा की नींद शोर सुनकर टूट गई, दोनों सही होंगे। था संदेश वाहक राजा कौन? अब यहाँ पर देखो प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है, तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। राजा का संदेश वाहक, अर्थात संदेश ले जाने वाला कौन था? तोता था ना। देखो भी नीचे लिखे वाक्यों में उचित विकल्प चुनकर लिखिए। मैं स्कूल जाऊं, कब जाऊं या कहां जाऊं? मैं कब जाऊं, मैं स्कूल कब जाऊं? आपका ऑफिस बीकानेर में है, क्या या क्यों? इसमें क्या भी क्या जोड़े? क्या आपका ऑफिस बीकानेर में है? क्या आपका ऑफिस बीकानेर में है? लिंग बदलकर शब्दों को पुनः लिखिए। आपको इनमें पुलिंग दिए हुए हैं, आपको स्त्रीलिंग लिखना है। धोबी क्या होगा अभी? दोबिन। क्या होगा अभी? दोबिन। और बकरा क्या होगा अभी? बकरी। अगला देखो अभी, प्रश्न संख्या सात दिया हुआ, नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। तीन रंग का क्या होता है अभी? तिरंगा। क्या होता है अभी? तिरंगा। तिरंगा जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी। क्या बोलेंगे उसको भी? मितव्ययी। प्रश्न संख्या आठ, देखो आपके शहर गांव में मनाए जाने वाले किन्हीं चार त्योहारों के नाम लिखो। चार त्योहारों के नाम लिखने जो आपके शहर में या गांव में मनाए जाते हैं, जैसे आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे भी? होली, दीपावली, दशहरा और विजयदशमी। विजय दशमी, होली, एक लिख दो आप दीपावली, एक लिख लो आप ईद। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।